हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैंने वो जो गमला खाली गुड़हल के पेड़ वाला किया था, तो पेड़ तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, वो पेड़ तो ख़राब हो गया था। तो इसमें जो घास आस निकली थी वो मैंने इसी में ही डाल दी है नीचे। अब ऊपर से मैं ये मिट्टी डाल दूंगी और एक दिन इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब इसमें कोई काम नहीं करूंगी, अभी हल्दी डालूंगी। और ये मेरा किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट भी मैं इसमें अपना डाल दूंगी। ये भी काफी दिन का हो गया है और इसी में ही फिर मिट्टी डाल दूंगी। तो ये हमारा सब रेडी हो जाएगा। ऊपर से मिट्टी डाल दी, किचन वेस्ट भी नहीं पता लगेगा कहाँ गया। इस तरह से मैं गमला अपना रेडी कर देती हूँ। और गमले की खूबसूरती और पौधों का हेल्दी होने का राज आप देखिए, आपके सामने है। मैं किचन वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं डालती हूँ। किचन वेस्ट अपना ऐसे डब्बे में रखती रहती हूँ और इसमें डाल देती हूँ, ऊपर से मिट्टी लगा देती हूँ। और जितनी भी आज मेरे पौधों में हरियाली है या क्या, मैं कोई भी खाद नहीं डालती हूँ। और कीड़े लग जाते हैं तो हल्दी या घर का ही कोई सलूशन करती हूँ, बाहर की कोई चीज़ केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करती हूँ। तो आज आप हमारी बगिया का देखिए। हाँ, करंटली मुझे फ्लावर नहीं मिलते हैं, वो मैं जानती हूँ, लेकिन आप पौधों की स्थिति देख के जान सकते हैं कि कितने हेल्दी पौधे हैं। और ये सिर्फ किचन वेस्ट जो हमारा फिक जाता है उसी से ही ये मैं मिट्टी तैयार। आज ये सारा दिन धूप में चार्ज होगा, ये मिट्टी भी ऐसे ही चार्ज होगी और ये ऐसे ही होगा। और मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने कि ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत काम वाली है। जिस चीज़ को हम फेंक देते हैं ये समझ के कि हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो उसको हम यूज में ले लेते हैं। और देखिए, खाद पानी की भी ज़रूरत पड़ती है पौधों में, तो ये हमारे खाद पानी का भी काम करती है। और बाहर फेंको तो गंदगी होती है, गंदगी से भी बचे और अपनी गमलों में खाद भी दे दी। तो ये मैं बात कई वीडियो में बता चुकी हूँ। और जब भी मैं ये गमला इधर से उधर चेंज करती हूँ तो हमेशा आपको बताती हूँ कि ऐसा ऐसा मैंने किया। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो देखते होंगे, तो ऐसा करते होंगे, और नहीं करते हैं तो आगे कीजिएगा। आज मुझे एक पौधा और दिख रहा है जिसमें फूल आ गए हैं। चलिए मैं भी देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बहुत सुंदर रेड कलर का लग रहा है। ये देखिए, ये मैंने घास कूड़ा होता तो वो भी इकट्ठा करके कर लेती हूँ। इस समय हमारी बगिया की पूरी सफाई करने वाली हो गई है। ये देखिए, ये आया रेड कलर का फूल, ये मैं भी आज ही देख रही हूँ इसमें। अच्छा लग रहा है। इसका नाम मैं भूल रही हूँ, अगर आप लोगों को मालूम हो तो बताइएगा। एक इसका प्लांट ये है, इसमें भी है। और ये देखिए, चंपा में पिंक कलर का फूल आया है। ये पिंक चंपा है हमारी, इसमें पिंक कलर का फूल आया है। अभी काफ़ी पौधों में केयर करने वाला हो रहा है। आप ऐसे देखिए कितने फूल खिले हैं। अपने हाथ से लगाओ पौधे। और फिर इस गमले में भी ये गुड़हल लगा था, ये भी सूख गया, इसको भी सही करना है। इसमें भी घास आस बहुत हो गई है, एक एक करके गमला सही करते हैं। और इसमें भी गुड़हल में कलियां भी आ गई हैं और ये फूल भी आ रहा है। ये देखिए, ये वाइट वाला चंपा है, उधर पिंक वाला लगा, इधर वाइट वाला लगा। चंपा के दो वैरायटी हो गई हमारे पास।
ये चिड़ियों के लिए मैं चावल डाल देती हूँ। चिड़ियाँ आती हैं, ये चावल रखे हुए हैं। आई येलो वाली में भी ये येलो लिली भी खिली है। आप लोग हमारी बगिया देखिए, ये देखिए कितने सारे फूल खिले हैं। अजवाइन का पौधा भी बहुत सुंदर चल गया। ओके गाइस, थैंक यू। राम राम जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारा वीडियो देखा करिए। और आगे आप लोग खुद समझदार हो कि तनु दीदी क्या कहना चाहती है। इसी के साथ सभी को हमारी राम राम जी।